नमस्कार, हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री की केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री से अहम मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री राजे ने ऊर्जा मंत्री के सामने जहां राजस्थान में नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की बात रखी, तो राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। राजस्थान निकट भविष्य में सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों को निर्यात करने की क्षमता रखे, इसके लिए उत्पादित ऊर्जा के दूसरे राज्य में ट्रांसमिशन की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में विकसित किए जा रहे सोलर पार्क से सौर ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत कम से कम 5 नए 765 केवी और 400 केवी के नए ग्रिड सब स्टेशन राज्य में स्थापित किए जाने चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके न्यू भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। गांधी नेहरू परिवार आज भी भ्रष्टाचार की जड़ से सींच रहा है। यह कहना है देश की आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपोत्री राजश्री चौधरी का। सुभाष चंद्र बोस की प्रपोत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गद्दार बताया। पंडित नेहरू पर गंभीर आरोप लगाते राजश्री ने कहा कि नेताजी की मौत के पीछे साजिश हुई थी। का राष्ट्रपति और हमारा देश का आजादी का पिता, उनका जो असलियत है, उनका जो एक्टिविटी है, उनका बारे में खुलासा हो। उनका विमान दुर्घटना में देहांत हो गया, ये जो फॉल्स न्यूज है जो नेहरू परिवार ने रचाया था, इसको ट्रैश कहते हुए हम बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का दफ्तर में जो फाइल्स है उसका खुलासा हो, देशवासी के सामने सच आ जाए कि हमारा आजादी का पिता का क्या हुआ और उनका जो देश के प्रति जो कार्यक्रम था, देश का हित में जो कार्यक्रम था वो क्या रहा। जाटों के आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य की सरकारी नौकरियों से भरतपुर और धौलपुर के जाटों को बाहर निकाल दिया है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि ओबीसी में मौजूद सभी जातियों का ओबीसी कमीशन फिर से रिव्यू करे और 4 महीने में रिपोर्ट बनाकर तय करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और किसे नहीं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबावनी की खंडपीठ ने किया। बहरहाल, जाट आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाने वाले मूल ओबीसी महासंघ के नेता और वकील जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी लगाकर चुनौती देने की बात कर रही है, तो जाट समाज के वकील इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर आमादा है। पिटीशंस में जो रिलीफ मांगी गई थी वो ये थी कि जो 1999 में जो जाट कम्युनिटी को जो आरक्षण ओबीसी में दिया गया है उसको रद्द किया जाए। आज का जो फैसला आया है उस सिलसिले में बिल्कुल नहीं है। बाकी जो मंडल आयोग से संबंधित जो बड़ा पॉपुलर फैसला है इंदिरा साहनी का, उसको बेस बनाते हुए उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो आरक्षण है उसमें सभी जातियों को के आरक्षण का रिव्यू किया जाए। 10 साल के भीतर जो मैंडेटरी प्रोविजन इंदिरा साहनी के मामले में किया गया था, इस तरह की डायरेक्शंस दी गई हैं। जयपुर हाईकोर्ट की तरफ से जाटों को आरक्षण रद्द किए जाने के बाद धौलपुर जिले के जाट समुदाय में इसका विरोध हो रहा है। जाट नेता बिशन सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। जाटों की पैरवी करने की मांग सरकार से की गई है। कहा गया कि सरकार हाईकोर्ट में उन्हें आरक्षण दिलाने की मांग करे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो जाटों का आरक्षण रद्द किया है वो बिल्कुल अन्याय है जाटों के साथ, और इसको सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो जाटों का आरक्षण रद्द किया है उसको लेकर युवाओं में काफी रोष है, एवं हम चाहते हैं कि सारे युवाएं कि मतलब राजस्थान सरकार इसकी कोर्ट में अपील करे एवं हमारी पैरवी करे, वरना युवाओं में काफी इसको लेकर रोष है, वरना हम इसको सड़क पर आंदोलन करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने हमारे जाटों का, धौलपुर और भरतपुर के जाटों का जो आरक्षण रद्द किया है वो एक बिल्कुल मतलब राजनीतिक द्वेष के कारण ही ऐसा किया गया है, क्योंकि जाट को ये इनका कहना है कि जाट जो जाति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन जाति से सारी जातियों को ही आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे एससी में हो चाहे एसटी में हो, जाति के आधार पर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है, यहाँ उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा जाट राजा थे इसलिए अब आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी जाट है जो गाँव में बसते हैं इनकी पोजिशन बहुत ज्यादा खराब है। धौलपुर और भरतपुर के जाटों का आरक्षण रद्द किए जाने के निर्णय पर प्रदेश कांग्रेस ने जाटों से हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की है। पीसीसी के महासचिव की माने तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस पर
कुछ पिछड़ी जातियां ओबीसी में शामिल होती हैं, उसी प्रकार कुछ जातियों का पिछड़ापन दूर होने पर ओबीसी से बाहर करना चाहिए ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाए। ऐसे में कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला अंतिम नहीं बल्कि अंतरिम है, 4 महीने में समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट अंतिम फैसला देगा। सबसे पहली बात कि न्यायालय के फैसले का हम सबको मिलकर के सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात कि न्यायालय ने अंतिम फैसला नहीं दिया, अंतरिम फैसला दिया है और न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को 4 माह में जो जाट आरक्षण वाला मामला है इसमें समीक्षा के लिए निर्देशित किया और उसके बाद अंतिम फैसला आएगा। जयपुर हाईकोर्ट ने जैन धर्म की परंपरा संथारा प्रथा पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संथारा प्रथा पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट में संथारा प्रथा पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें संथारा प्रथा को आत्महत्या का एक प्रकार बताते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में संथारा की तुलना सती प्रथा से की गई जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संथारा प्रथा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। जैन समाज के संथारा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस फैसले से जैन समाज नाखुश है। जैन समाज से जुड़े प्रतिनिधियों की माने तो हाईकोर्ट में संथारा को गलत तरीके से परिभाषित किया गया जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। बहरहाल जैन समाज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा। बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन के मुताबिक जल्द ही समाज के भीतर इस मसले पर चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया जाएगा। संथारा जैन मुनियों द्वारा आज से नहीं आदिकाल से संथारा की प्रथा चली आई है और संथारा को लेकर समाज के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों जो चर्चाएं चलती थी उससे मुझे लगता है कि इस भावना इस निर्णय से समाज कहीं न कहीं से आहत होगा। इस पूरे निर्णय को ढंग से पढ़ने के बाद समाज इस विषय के अंदर को निर्णय लेगा और निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि समाज इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और कहीं भी जाएगा क्योंकि पूरा धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ विषय है। संथारा का जो सब जो परिभाषित किया गया मुझे लगता है कि जो माननीय हाईकोर्ट के सामने जो प्रश्न पेश किया गया होगा वो संथारा को लेकर जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही होगी। छात्र संघ चुनाव नजदीक है, ऐसे में टिकट खरीद फरोख की बात सामने आ रही है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हर्ष लांबा और प्रदेश महासचिव तरुण ढोकिया ने एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी गुलाब सिंह पर अध्यक्ष पद के टिकट 5 लाख में बेचने का आरोप लगाया है और ये दावा भी किया है कि उनके पास टिकट खरीद फरोख के दौरान फोन पर भी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। दरअसल चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने 2 दावेदारों को टिकट दिया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के अलग अलग प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद के 2 घोषित प्रत्याशी होने के बाद प्रदेश महासचिव तरुण ढोकिया और जिलाध्यक्ष हर्ष लांबा ने प्रदेश प्रभारी पर 5 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। राजस्थान के प्रभारी गुलाब सिंह जी राजपूत जिन्होंने कल हमें टिकट मांगी थी तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष प्रभारी जी पूरे छात्र संघ योगेश राठ, यूथ कांग्रेस के दीप चंद्र राठ, दीपक सियाग, एमपी प्रताप जी, एमपी प्रत्याशी प्रताप जी पूनिया राजी जी सब साथ थे। फिर भी गुलाब सिंह जी ने 5 लाख रुपए मांग की थी। सर मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पिछले 2-3 दिन से राजकीय महाविद्यालय कॉलेज के लिए शुरू जो है उसके लिए जो टिकट के प्रत्याशियों के दावेदारी चल रही थी फिर उनके बीच में कोई मिथ्या भ्रम फैलाए गए कि टिकट उसको मिल गया उसको मिल गया, इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यहाँ पे प्रतिनिधि बना के हाथ भेजा। तो हमारी तरफ से एनएसयूआई की तरफ से जो कैंडिडेट है वो दिनेश कड़वासरा है, एनएसयूआई का प्रत्याशी सिंबल एनएसयूआई का चूरू लोहिया कॉलेज का दिनेश कड़वासरा जी को दिया गया। चूरू में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने प्रदेश में 22 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव में लिंगदो कमेटी के सिफारिशों की सख्ती से पालना किए जाने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव के दौरान हुड़दंग राज्य सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लिंगदो कमेटी के सिफारिशों के अनुसार छात्र नेता केवल 5,000 रुपए खर्च कर सकता है। मामले में उच्च शिक्षा मंत्री की सख्त हिदायत है कि अगर छात्र लिंगदो कमेटी के सिफारिशों में कोई बदलाव चाहते हैं तो उनके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ये हमने ये तय किया है कि लिंगदो कमेटी के आधार पर जो सिफारिशें हैं उनकी उनके आधार पर सख्ती से और छात्र संघ के चुनाव हों। छात्र संघ के चुनाव होना एक लोकतांत्रिक अधिकार है पर उसके साथ यदि हुड़दंग होगा तो उसको राज्य सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखकर
लिंग दो कमेटी के आधार पर सख्ती से छात्र संघ के चुनाव हो, ये हमारा प्रयास रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति पर अभी विवाद बना हुआ है। कांग्रेस के विरोध पर उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने पलटवार किया है। कुलपति प्रोफेसर जेपी सिंघल का बचाव करते सराफ ने कहा कि पहले भी बिना पीएचडी के कुलपति बने हैं तो फिर अब क्यों नहीं बन सकते। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व कुलपति देवस्वरूप और एनके जैन भी बिना पीएचडी के हुए वाइस चांसलर बने थे, तो नवनियुक्त कुलपति जेपी सिंघल तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और 40 साल का अनुभव रखते हैं, ऐसे में वो कुलपति क्यों नहीं बन सकते। सराफ ने कहा कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। कांग्रेस का काम विरोध करना है, हमारा काम काम करना है। आज तक दर्जनों इस प्रकार के वाइस चांसलर हुए राजस्थान में कि जो पीएचडी भी नहीं थे, प्रोफेसर भी नहीं थे। आपको तो मैं लिस्ट बताऊं उनकी, तो अभी यहाँ देवस्वरूप जी थे, एनके जैन थे, अभी जो पिछले देवस्वरूप जी थे वो कौन से पीएचडी थे, कौन से प्रोफेसर थे, ही सिंपली ज्वाइंट डायरेक्टर इन यूजीसी। वो जब वाइस चांसलर बन सकते हैं तो एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्रिंसिपल जिनको 40 साल का अनुभव है वो क्यों नहीं बन सकते। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों की एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में जयपुर में संचालित सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक शामिल हुए, जिसमें किसान सहकार कल्याण योजना, भामाशाह योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई, तो दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा भी हुई है। सहकारिता मंत्री की माने तो सहकारिता पैक्स में चल रहे नरेगा के खातों को इस महीने तक केंद्रीय सहकारी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विभाग में इन बैंकों के जरिए चल रही योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की हमारी राजस्थान सरकार जो महत्वाकांक्षी एक योजना है भामाशाह योजना, उसमें हमारे जो उसको हम अच्छे तरीके से आज हम समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो पैक्स में जो खाते हैं नरेगा के, उसको हम चाह रहे हैं कि वो हमारी सीसीबी की ब्रांचेस में ट्रांसफर हो जाए और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम भी हमने लागू कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पैक्स में जो हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बने हुए हैं पैक्स और ई मित्र, वहां पर उस व्यक्ति को सीधा आर्थिक लाभ जो भी उसको मिलना है वो सीधा उसका ट्रांसफर हो जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चित्तौड़गढ़ के पूर्व सांसद गिरिजा व्यास ने कहा कि स्वच्छता के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी प्रदेश को 27वां स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजस्थान का ऐतिहासिक महत्व है, वहीं उन्होंने संसद गतिरोध के लिए कहा कि विपक्ष को नकारा नहीं जा जाता, पर भाजपा सरकार विपक्ष की मोदी सरकार नजरअंदाज करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को मामला गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हौसला हमेशा से बुलंद है और इस बार नगरपालिका चुनाव में भी कांग्रेस परचम लहराएगी। स्वच्छता मोदी सरकार की प्राथमिकता और उनकी योजनाओं की शायद मैं कहूं कि पहली योजना हो जिसमें कि उन्होंने इतनी रुचि दिखाई थी, दिखाई देते हुए दिखाई दिए थे। राजस्थान में भी उनकी सरकार है, लेकिन राजस्थान का भी आम हिस्सा पर्यटन केंद्र और ऐतिहासिक महत्व का चित्तौड़गढ़ में जो हालत है, राजस्थान जिस पायदान पर है और चित्तौड़गढ़ भी जिस पायदान पर है, वह एक विचारणीय बिंदु है। ललित के पवार आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष पद बना दिए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ललित के पवार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आरपीएससी को यूपीएससी के समकक्ष बनाना है और अगले 10 साल का कैलेंडर तैयार करना है। उन्होंने विवादों से बचते हुए पुराने प्रकरण चर्चा करने के बजाय कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग 65 साल पुराना संस्थान है, लिहाजा उनकी कोशिश रहेगी कि पूरी टीम साथ मिलकर इनकी कमियों को दुरुस्त करे। वहीं आरपीएससी में सदस्यों के खाली पड़े पदों के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही राज्य सरकार को पत्र भेजा जाएगा। हमारी और हमारे पूरे मेंबर साहिबान की टीम का प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह से यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो पिछले 65 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहा है और उसकी प्रतिष्ठा है और आज तक उस पर कोई विवाद नहीं हुआ है, तो हमारा भी लक्ष्य ये रहेगा कि आरपीएससी को बेंचमार्क्स यूपीएससी के समक्ष उसको रखा जाए। सादुल शहर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ और राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सादुल शहर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सोढ़ी और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी का बहुमत कार्यकर्ताओं की बदौलत है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि निकाय चुनाव में भी इस तरीके का प्रदर्शन दिखाते हुए सभी सीटों पर जीत बीजेपी को जिताने का लक्ष्य होना चाहिए। रावतसर में आदर्श आचार संहिता खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप बीजेपी विधायक द्रौपदी मेघवाल के पति पर लगा है। विधायक मेघवाल के पति वार्ड 20 में खुलेआम नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रहे हैं, जबकि आचार संहिता के तहत बिना इजाजत के भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। इस संबंध में कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर मामले को टाल दिया। जोधपुर सेंट्रल जेल में लग रहे सेशन कोर्ट में आसाराम मामले की सुनवाई सोमवार को फिर टालनी पड़ी। मामले के एसआई आरोपी प्रकाश की तरफ से जांच अधिकारी चंचल मिश्रा से जिरह कर रहे वकील हाजिर नहीं हुए। इस पर सेशन जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए वकील को मंगलवार को जिरह करने के सख्त आदेश दिए। जज ने उनके कल नहीं हाजिर होने पर आरोपी प्रकाश की तरफ से जिरह बंद कर देने की बात कही। उधर आसाराम मामले को लेकर जेल में सुनवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें से आरोपी शिल्पी की तरफ से बहस की गई। शिल्पी के वकील ने जेल में सुनवाई के हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को गलत बताया। मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होगी। जैसलमेर में पिछले महीने एक आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम पर जानलेवा हमला हुआ था। आरटीआई कार्यकर्ता दलित था, उस पर गांव के दबंगों ने हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। हमला करने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इसको लेकर दलित मेघवाल समाज में रोष है। इस घटना के बाद जैसलमेर जिले के सीमावर्ती कस्बे रामगढ़ में महीने भर से तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसी से नाराज अम्बेडकर पार्क में हजारों की संख्या में मेघवाल समाज के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का ज्ञापन सौंपा। सीकर में सिरफिरे भाई ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। घटना लोसल थाना इलाके के सिंगरावट गांव की है, जहां से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने अपनी ही बहन पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव में आए छोटे भाई जगदीश को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बहन संजू अपने ससुराल से पीहर मां और भाई से मिलने आई थी। बताया जा रहा कि आरोपी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बिलाड़ा के लांबा गांव में कुएं में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। महिला के मायके वालों के मुताबिक शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने मौत से कुछ देर पहले मायके फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था। मायके वालों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंबा गांव में सुबह करीब 7:30 बजे तिलवास में के सोनलाल ने टेलीफोन करके इतना दी लंबा में हमारे भाई की बेटी है, शादी ससुराल के लंबा है, जिसकी शादी 7 साल से कम टाइम हुआ है। जाने से पहले लाश गाँव वालों ने पार्टी कर दी थी, तहकीकात की, बाकी मौके वगैरह भी फोटोग्राफी करवाई। कुछ अधिकारियों को हालात निवेदन करके बॉडी को एक बार मोर्च के लेकर आया। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 3 पर दो महिलाएं पैदल जा रही थी, तभी दोनों महिलाएं पीछे से तेज रफ्तार सारे पिकअप की चपेट में आ गई, जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों महिला देवरानी जेठनी थी। हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप की तलाश में पूरे जिले में नाकेबंदी की है। सीकर जिले के थोई थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज कांवट के अस्पताल में चल रहा है। हादसा कांवट कस्बे के निमका थाना रोड पर हुआ है, जहां दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कल्याणपुरा गांव के रहने वाले महेंद्र और बूंदी के रहने वाले जगदीश की मौत हुई है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चर रखवाया है। उनियारा में एक शिक्षक ने बीओ दफ्तर में उत्पात मचाया। शिक्षक ने बीओ को थप्पड़ मारा और टेबल से सरकारी कागजात फेंक दिए। इसके अलावा स्टाफ कर्मचारियों से बदसलूकी की गई। बताया जा रहा है कि शिक्षक बकाया वेतन के लिए दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है। बीईओ ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दो बच्चे, पत्नी और मां बाप के अलावा सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ 3.5 साल से फरार चल रहा सीआरपीएफ का जवान दशरथ हिमाचल प्रदेश के फैक्ट्री में मजदूरी करते पुलिस करते चढ़ गया। दशरथ भीलवाड़ा के एक ठेकेदार की पत्नी को भगा ले गया था, जिसे तलाशते भीलवाड़ा पुलिस हिमाचल पहुंची थी। वहीं से दशरथ को पकड़ा गया और सोमवार को निमका थाना पुलिस के हाथों सौंपा गया। इससे पहले दशरथ के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। पुलिस की जांच में एक बार तो किसी व्यक्ति का कंकाल मिलने पर उसे मृत मान लिया और आश्रितों को सीआरपीएफ की ओर से सहायता राशि और पेंशन भी चालू कर दी गई। दशरथ पर राजस्थान पुलिस ने 25,000 रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। भीलवाड़ा के एक ठेकेदार की वाइफ को ये लेके फरार हो गया। वहाँ भीलवाड़ा में गुमशुदगी दर्ज हुई, उसकी सूचना हमारे पास आई, हम वहाँ गए। फिर इसकी हमने कॉल डिटेल निकाली तो इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश और चित्तौड़ और इस दौरान कई जगह आई। तो ये हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है बद्दी, वहां ये काम करता हुआ पाएगा। सीकर पुलिस ने सूबे के मोस्ट वांटेड और जिले के हिस्ट्रीशीटर ओम प्रकाश ठेठ और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने शहर के बाणियावास मोहल्ले से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हिस्ट्रीशीटर अपने साथी के साथ शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आया था। पुलिस को मोस्ट वांटेड की लंबे समय से तलाश भी थी। सूचना पे दो अभियुक्तों को पकड़ा है, इसमें एक का नाम ओम प्रकाश और जीवन राम ठेठ है, जो यहाँ सक्रिय गए राजू ठेठ का भाई है। इनके पास से दो पिस्टल बरामद हुई, एक प्रोहिबिटेड बोर की है और एक वैसे इंटॉक्सिकेटेड वेपन है, और 4 इनके पास से 9mm पिस्टल के कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इन लोगों से और अभी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी और जो इनके लिंक्स हैं वो देखे जाएंगे। जोधपुर में बरसों बाद फिर से कच्छा बनियान गिरोह पहुंच गया है। गिरोह ने महानगर के बाहरी इलाके के एक मकान को निशाना बनाया। मकान में पूरा परिवार सो रहा था, लेकिन किसी को चोरों की भनक नहीं लगी। मामला जोधपुर जयपुर रोड का है, जहां सारण नगर में बीती रात वकील संतोष शर्मा के मकान में सेंध लगाकर कच्चा बनियानधारी गिरोह घुस गया। इन चोरों ने शर्मा और उनके परिवार के लोगों पर कोई बेहोशी की दवा छिड़क दिया और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चोरों ने पूरे घर की तलाशी ली और सोने चांदी के गहने, एक मोटरसाइकिल और मोपेड चुरा लिए। पुलिस को पता लगा कि चोर एक मारुति जेन कार में आए थे। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की हरकत भी कैद हुई है। पुलिस इन फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने उनकी तलाश कर रही है। फोन उठे तब देखा अंदर से दरवाजा बाहर से बंद था, बाहर से दरवाजा बंद होने के बाद खींच के खोलने की कोशिश की, पता चला बंद है। फिर आवाज देके बुलाया था हमारे पास वाले भाई साहब आके। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्रूड ऑयल चोरी करने वाले 9 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हाथरस के विधायक का भतीजा भी शामिल है। आरोपियों ने पूछताछ से 45 लाख का तेल चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक टैंकर, 2 कार और बाइक जब्त की है। वही पूछताछ में आरोपियों ने ऑयल चोरी में अन्य लोगों के शामिल होने का भी खुलासा किया है। नागौर के डीएम राजन विशाल को बेस्ट इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जालौर में जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हुए लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान मतदाता सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत उनके सराहनीय प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया। इस जोनल अवार्ड के लिए डीएम विशाल राजन को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में सम्मानित किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने राजन विशाल को सम्मानित किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही।